उसने लिखा हुआ ड्रामे करते हुए कुछ नहीं हुआ है कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ सारा ड्रामा करते हो अरे छोड़ो दीदी क्या लोगों के मुंह लगना रहा लोग तो है लोगो की तो बातें हैं छोड़ने का नहीं मन कर रहा है तुझे तो पता है मुझे खुजली हो जाती है यार कोई मुझे कमेंट करता है बड़ी खुजली हो रही है क्या करो तो दिल कर रहा है देखी आपने और आप मेरा रिएक्शन देखो और सच बोल रही हूं अगर ये रिएक्शन मेरा तुम्हारे अंदर का जमीर ना जगा देना तो मेरा नाम ऑपरेशन हुआ।, हुआ है तुम्हें तो प्रूफ दे कि उसका ऑपरेशन हुआ है एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर एक अलग रूम में नीचे रहती है फोर चार मंजिल ऊपर उसका घर है और वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आके रहती है इसलिए लोग ही ना तुम जैसे लोगों की वजह से सोशल मीडिया घर की औरतें बाहर की जो वर्क करती हैं औरतें उनके ऊपर ना तुम लोग एक फुल स्टॉप लगाना चाहते हो वो तुमसे होता नहीं है तो तुम्हें ना खजाल मस्त तेरा ऑपरेशन होगा ना तब तुझसे कोई पूछेगा भाई तेरा ऑपरेशन हुआ भी है कि तू नाटक कर रहा है तब तुझे पता चलेगा कि कितना दर्द होता है पता है तुम्हें तो एक कमेंट लिखना होता है और उस कमेंट का मतलब क्या है ये तुम्हें पता नहीं होता है बस लिखना है जो मिर्ची कहाँ लग रही है तुझे मिर्ची वहां लग रही है क्योंकि तू एक औरत को सक्सेस होता नहीं देख सकता अगर तू एक औरत को सक्सेस होता देख सकता ना तो तू इस तरीके से कमेंट नहीं लिखता ये लिखता कि अपना ख्याल रखो आपका ऑपरेशन को ना अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है इसीलिए वो ज्यादा रेस्ट ना करते हुए अपने काम की तरफ आती है आई वे समझे वो चीजें तुम्हें ऐसा लगता है कि वो नाटक कर रही है अरे यार अगर वो नाटक करती अपनी बच्चों से दूर रहकर निशा जी की सपोर्ट में ना बहुत सारी लेडीज खड़ी हैं अगर तू एक एक करके भी उनके सामने आया ना तो सोच तेरा क्या हाल होगा तो इसी तरीके से भाई इतनी सी रिक्वेस्ट है ऐसे कमेंट मत करा कर भाई है बहन है जो भी आज है में ना निशा लामा नाम बोलता है आई वो समझ में उस नाम को बनाने के लिए उस बंदी ने कितना सेक्रीफाइस किया है पता है तुम्हें बहुत कुछ उसने फेस किया है आज वो तुम्हें हंसती खेलती नजर आती तो तुमसे खटकती है निशा लामा नाम किसी के नाम की पहचान की जरूरत नहीं है इस नाम को पूरी दुनिया जानती है पूरा सोशल मीडिया जानता है लाखों लोग इस नाम से वाकिफ हैं, तुझे समझना है